नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। अब आप इस विषय के वीडियोस एक साथ भी देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे मेरे चैनल का नाम है, तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस विषय के वीडियोस एक साथ देख सकेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम सीख रहे के थे हिंदी कक्षा 7 द्वितीय सत्र का पाठ नंबर 9 समय सारिणी। तो हमने यहाँ तक का अभ्यास किया था, आज के वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो आगे है एक स्टार प्लस की समय सारिणी है। तो स्टार प्लस की समय सारिणी में 12 बजे गुलाल, 12:30 बजे यह रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसे ही यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया है रात के 11:30 बजे तक का। फिर सेट मैक्स का दिया गया है कि कौन सी फिल्म कितने बजे आएगी। फिर है डिस्कवरी के कार्यक्रम दिए गए है। फिर बिफोर यू म्यूजिक के कार्यक्रम दिए गए है। आखे है टाइम्स नाउ जो न्यूज चैनल है उसके कार्यक्रम दिए गए है। फिर प्रश्न पूछा गया है कि इस आप टेलीविजन पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं, उसकी समय सारिणी बनाइए। तो इनमें से आपको वही लिखना है जो आप देखते हैं, आपको इसमें से जो अच्छा लगे उसका नाम यहाँ लिखना है, कार्यक्रम का समय लिखना है और कौन से चैनल में आता है वो लिखना है। तो पहला है न्यूज नाउ जो 9 बजे आता है, कौन सी चैनल, टाइम्स नाउ पे। फिर 2 नंबर का है सॉलिड हिट्स जो 11 बजे आता है बिफोर यू में। 3 नंबर का है वाइल्ड डिस्कवरी जो 6:00 बजे आता है डिस्कवरी चैनल पर। फिर है मेरी जंग वन मैन आर्मी जो 8:00 बजे आता है सेट मैक्स पर। फिर है आवाज दे कहा है जो 7:04 पर आता है बिफोर यू पर। फिर है फैक्ट्री मेड जो 9:00 बजे आता है डिस्कवरी पर। फिर है लाइव रिपोर्ट जो 12:00 बजे दोपहर आती है टाइम्स नाउ पर। और है खाकी जो एक फिल्म है जो आएगी 4:00 बजे सेट मैक्स पर। फिर आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है, क्यों? तो मुझे सोनी चैनल पर आने वाला टीवी का रैम पेट्रोल कार्यक्रम बहुत पसंद है, क्योंकि इस कार्यक्रम में समाज में बनने वाली अपराध की घटनाओं का वास्तविक और रोचक निरूपण किया जाता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि पुलिस गुनहगारों को किस प्रकार पकड़ती है। यह कार्यक्रम हमें कई तरह से सावधानी रखने की शिक्षा भी देता है। दूसरा प्रश्न है, आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं? तो उसका जवाब होगा, मैं टीवी पर शिक्षा संबंधी कार्यक्रम वंदे गुजरात चैनल में देखती हूँ। इस चैनल की अलग अलग 16 चैनल है। वंदे गुजरात 1 में कक्षा 1 के विषय पढ़ाए जाते हैं। उसी तरह वंदे गुजरात 1 से 16 तक की चैनल है जिसमें अलग अलग कक्षा के विषय पढ़ाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, आप अपने टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू कैसे देखेंगे? तो उसका जवाब है, टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू देखने के लिए मैं पहले टीवी चैनल देखूंगी, फिर उनके समय के अनुसार कार्यक्रम का नाम देखूंगी। आगे है एक होटल का मेनू है, होटल बच्चा पार्टी। तो यह मेनू है, उसमें से अलग अलग सभी प्रकार की सब्जियां है, फिर रोटी है, नान है, पुलाव है और ठंडा है और चटपटा भी है। तो इसमें से आपको जो पसंद है वो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे यह प्रश्न है, उपर्युक्त मेनू में से आपको खाने में क्या क्या पसंद है, उसकी सूची बनाइए एवं भाव लगाकर बिल बनाइए। तो यहाँ पर हमें जो पसंद है उसकी सूची बनानी है और बिल बनाना है। तो पिज्जा 1 35 रुपीज, पनीर टिक्का 1 40 रुपीज, ग्रीन सलाद 1 15 रुपीज, रोटी 2 10 रुपये, चपाती 2 8 रुपये, परोठा 2 14 रुपये, दाल फ्राई 1 20 रुपये, जीरा राइस 1 35 रुपये, दाबेली 1 5 रुपये और छाछ 1
5 रुपए और इन सब का टोटल होता है 187। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, क्या आप कभी कोई भी बिल की रकम जांचते हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ। फिर है, हमें बिल के कुल मूल्य क्यों जांचना चाहिए? तो हमें बिल का कुल मूल्य जांचना चाहिए क्योंकि रकम सही है या नहीं, यह देखने के लिए। फिर है 3 नंबर का, हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? तो उसका जवाब होगा, हम जब कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो खरीद का सबूत रखने के लिए, कीमत की जानकारी के लिए एवं वस्तु में कोई खराबी हो तो उसे बदलने के लिए भी उनका बिल लेना चाहिए। 4 नंबर का प्रश्न है, खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले हरे चिन्ह इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि खाद्य पदार्थ शाकाहारी है। फिर यहाँ पे एक किराने वाले का सामग्री की सूची है जिसमें सामग्री फिर उसके पैसे भी लिखे हैं। इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार, जो है वाजिद भाव की सरकार मान्य दुकान है और ये भाव है 1/8/2011 का। उपर्युक्त भाव पत्रक के आधार पर बताइए कि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार आपको कौन सी चीज कितनी मिलेगी और कितने रुपये होंगे? तो सबसे पहला प्रश्न है, आपको चीनी कितनी मिलेगी? तो हमको चीनी 1.4 किलोग्राम मिलेगी। दूसरा प्रश्न है, आपको चावल कितना मिलेगा और कितने रुपये होंगे? तो हमको चावल 6.5 किलो मिलेंगे और रुपये होंगे 45.5 रुपये। फिर है, हमें क्यों आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए? तो उसका जवाब होगा, हमारे शरीर के समुचित विकास के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। शरीर को आयोडीन न मिलने पर गंडमाला यानी गोइटर या बोनापन आदि रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आगे का प्रश्न है, मिट्टी के तेल का हम क्या उपयोग करते हैं? तो उसका जवाब होगा, हम मिट्टी के तेल से लालटेन जलाते हैं। स्टोव जलाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। कहीं कहीं ऑटो रिक्शा चलाने के लिए भी मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है, जो गैर कानूनी है। तो बच्चों, यहाँ पर 9वां पाठ खत्म होता है। अगले वीडियो में हम 10वां पाठ सीखेंगे, अंदाज अपना अपना।